दोस्तों मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनको काफ़ी वीकनेस आ रही है, पाँव में दर्द भी हो रहा, तो मैं बता जा रहा हूँ कि आखिर डायबिटीज़ वीकनेस क्यों आ रही है। तो सबसे पहला देखो, आपको वीकनेस के कारण आपका डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है। तो जब भी खाली पेट 125-130 ऊपर रहता है, खाने वक्त 200 ऊपर होता है, तो क्या होता है कि जब भी 180 ऊपर शुगर जाता है कभी भी, तो शुगर यूरिन क्रॉस करता है, अलॉन्ग विथ शुगर थोड़ा पोटेशियम एंड सोडियम भी लॉस होता है। जब भी बॉडी से पोटेशियम लॉस होता है तो मरीज को वीकनेस आती है। जब भी सोडियम लॉस होता है तो वीकनेस साथ साथ पामिक या क्रैम्प आती है। यहाँ पे इसको दिखाओ, इधर फोकस करो, यहाँ क्रैम्प आता है, ठीक है। तो पहला कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। दूसरा कारण होता है डायबिटीज मरीजों को विटामिन डी कमी, B12 कमी, आयरन कमी, मैग्नीशियम कमी, कैल्शियम कमी, ये सब कमियाँ भी आयरन होती रहती है, बिकॉज डायबिटीज वाले अक्सर बैलेंस फूड नहीं लेते हैं, अक्सर डर के मारे फ्रूट नहीं खाते हैं, सलाद कम खाते हैं। नंबर थर्ड, अक्सर डायबिटीज वाले थोड़ा खाना कम खाते हैं कम्पेयर टू अदर पर्सन, थोड़ा खाना कम खाते हैं, इसलिए वीकनेस आती है। फोर्थ क्या होता है, अक्सर डायबिटीज वाले थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप खुश हो, दुखी हो, टेंस हो? टेंस तो रहती हूं मैं, तो खुश हो रही हूं, मतलब वीकनेस की वजह से ना, टायर्ड फील करती हूं। ये तो ठीक कर रहे हो, तो ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो थर्ड फोर्थ ये कारण हो गया। फिफ्थ कारण होता है डायबिटीज वाले मरीजों को थायराइड होने की ज्यादा संभावना होती है, थायराइड भी है। एक और बीमारी होती है कॉर्टिसोल की कमी की संभावना ज्यादा होती है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, इसकी कमी से भी वीकनेस आती है। छठा कारण होता है कि अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। फिर सेवेंथ क्या होता है, डायबिटीज मरीज किसी किसी के अंदर मेल एब्जॉर्प्शन होता है, खाना प्रॉपर पच नहीं पाता है, उससे भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी होकर वीकनेस हो जाती है। पर सबसे मेन कारण होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी एंड स्ट्रेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप टेंस थोड़े ही हैं, टेंस ज़्यादा हैं? शुगर की वजह से या किसी और वजह से? सुनो, आप सबसे रिक्वेस्ट, भाइयों से रिक्वेस्ट है, शुगर के मरीज किसी एज पर डायबिटीज हो, अगर शुगर कंट्रोल रखोगे, खाली पेट 110 से नीचे, खाने में 180 से नीचे रखोगे, HbA1c से नीचे रखोगे, अगर ब्लड प्रेशर ठीक रखोगे, अपना कोलेस्ट्रॉल कम की दवाई का स्टैटिन वो खाओगे, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, जान लो, लिख के ले जाओ। नहीं नहीं सुनो, आई अब देखो, आपका एज कितना होगा, पता कितना होगा एज? 30। तो ये आंखों पे जो भी असर आया ये शुगर से नहीं है। जब भी शुगर बढ़ता है तो हाई शुगर आंख के लेंस में जा करके उसको सोलन कर देता है, जिसकी वजह से आँख का लेंस का पावर चेंज हो जाता है। एक बार शुगर नॉर्मल आ जाएगा, विदिन 15 डेज आपका रोशनी फिर से ठीक हो जाएगी। होता है, जैसे शुगर बढ़ी हुई है तब ज़्यादा ब्लड दिखाई देता है। तो मैडम शुगर कंट्रोल करो, अभी देखो शुगर तुम्हारा पता कितना आ रहा है, देखो 300 शुगर दिखाता हूँ तुम्हें, 311 है। डायबिटिक कंट्रोल तुम्हारा अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो HbA1c 9। और इसके बाद फिर क्या है कि देखो कि एक और चीज़ है, मन को हमेशा बोलो कुछ भी हो सब अच्छा होगा। अगर ये नहीं बोलोगे कि डायबिटीज़ ये हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ये डर डर लाइफ बर्बाद, लोग डराने वाले बैठे हुए हैं। जान लो, अगर शुगर कंट्रोल रखोगी, स्टैटिन खाओगी, तो तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, लिख के ले हमसे। बच्चे जो हो रहे, फैमिली कंप्लीट है, तो नेक्स्ट जल्दी करो। वो प्लानिंग है, इसी वजह से आपसे हाँ, तो मैं इंसुलिन रेजिम चेंज करता हूँ, जल्दी प्रेगनेंसी करो, ठीक है। तो शुगर कम के ये शुगर मरीज ये वीकनेस कारण होते हैं। जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं बाई ट्रीटमेंट एंड सम काउंसलिंग एंड हाँ, ठीक है। तो